स्वागत है आपका अपने चैनल एकलव्या स्टडी पॉइंट पे। और मेरा नाम है सचिन, और आज की इस वीडियो में हम क्लास 12th की हिंदी पढ़ने वाले हैं। और बुक का नाम है वितान, और अध्याय का नाम है अतीत में दबे पांव। ठीक है, इसके इजी नोट्स में आपको आज बताने वाला हूँ, जो कि काफी इंटरेस्टिंग होंगे आपके लिए। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और आपको बताना चाहूंगा, आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। अगर आपकी कोई भी दिक्कत, कोई परेशानी, कोई समस्या हो तो आप आके मुझसे पूछ सकते हैं। मेरा यूजर नेम आपके सामने है, आप इसको सर्च मार के मुझे मैसेज कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको इस चैप्टर का परिचय बताता हूँ। अखंड भारत में 20वीं शताब्दी के तीसरे दशक में प्राचीन सभ्यता की खोज में दो स्थानों पर खुदाई का कार्य किया गया था। आपको इससे अगर कुछ याद आया हो, अगर नहीं आया तो मैं आपको बताता हूँ। क्या आपने सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में सुना है? अगर आपने हिस्ट्री सब्जेक्ट में इसको पहले चैप्टर को पढ़ा है तो आपको याद आ रहा होगा कि कहीं ना कहीं 20वीं शताब्दी के तीसरे दशक में अगर किसी सभ्यता की खोज हुई थी तो वो हमारी सिंधु घाटी सभ्यता थी। ठीक है, और वर्तमान में ये दोनों स्थान जो है पाकिस्तान के अंतर्गत आते हैं। पाकिस्तान के सिंध प्रांत के अंदर मोहनजोदड़ो है और पंजाब प्रांत के अंदर हड़प्पा है। आपने ये दोनों ही नाम कभी ना कभी सुने होंगे अपनी जिंदगी में। ठीक है, तो ये दो मेन ऐसे नगर थे। ठीक है, आप ये समझ लो, ये मतलब जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और हड़प्पा और मोहनजोदड़ो नाम के इन दो नगरों को पुरातात्विक क्षेत्र के विद्वानों ने खुदाई के बाद सिंधु घाटी सभ्यता का पता लगाया। यहीं से ही सब कुछ सामने आने लगा था। जब हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाइयां हुई तो इस सभ्यता के बारे में बहुत सारी चीजें हमारे सामने आई। तो कुछ इस तरीके से ये सभ्यता दिखती थी। एक ये फोटो है, सिर्फ आप इसको एक देख के अज्यूम कर सकते हो, ठीक है, कि कैसा वहां पे सब माहौल रहता होगा। अब नेक्स्ट टॉपिक है मोहनजोदड़ो का परिचय। अब इसमें मोहनजोदड़ो जो है हड़प्पा सभ्यता के अंदर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट जगह थी, क्योंकि ये केंद्र था। ठीक है, एक नगरीय केंद्र था। अब इसमें क्या था, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा संसार के प्राचीनतम नियोजित शहर माने जाते हैं। मोहनजोदड़ो में अगर आपको याद हो तो उसको दो भागों में बांटा गया था, एक दुर्ग तथा निचला शहर। ठीक है, वो मैंने यहाँ पे टाइप नहीं किया है, आपको मैं सिर्फ बता देता हूँ, क्योंकि ये बहुत ही कॉमन सी चीज है जो आपने पढ़ी भी होगी हिस्ट्री में। मोहनजोदड़ो शब्द का अर्थ अगर मैं आपको बताऊं तो मोहनजोदड़ो का मतलब होता है मुर्दों का टीला, क्योंकि मोहनजोदड़ो की खुदाई जब हुई तो उसके बाद इसका ये नाम पड़ा, क्योंकि बहुत सारे कंकाल और मुर्दे वहां पे जो पुरातत्व, जो मतलब जो भी खोजे हुई, ठीक है, जो पुरातत्वविद थे उनको मिले। इस नगर की सभ्यता के नष्ट होने के बाद ही इसे यह नाम मिला। ठीक है, जब मोहनजोदड़ो की खुदाई वगैरह हुई तब उसमें से इतने सारे मुर्दे निकले तो इसका नाम मोहनजोदड़ो रख दिया गया। यह सिंधु घाटी सभ्यता के परिपक्व दौर का सबसे उत्कृष्ट नगर है। देखो, हड़प्पा सभ्यता को जब हम पढ़ते हैं तो उसके दो तीन मतलब कुछ दौर थे। ठीक है, एक तो मतलब आप कह सकते हो ना अर्ली हड़प्पा, एक है मैच्योर हड़प्पा, एक है लेट हड़प्पा। ठीक है, यानी कि परिपक्व हड़प्पा, हड़प्पा पूर्व और हड़प्पा के बाद वाली। ठीक है, लेकिन जो ये परिपक्व हड़प्पा का जो टाइम था उसके अंदर सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे जो मेन, सबसे उत्कृष्ट जो नगर था वो था मोहनजोदड़ो। खुदाई के बाद इस नगर में बड़ी तादाद में बहुत सारी चीजें मिली, जैसे कि इमारतें, ठीक है, खंडर वगैरह, सड़कें, धातु की बनी मतलब कुछ पत्थर की मूर्तियां वगैरह और धातु का सामान, चाक पर बने कुछ चित्रित भांडे यानी कि बर्तन, ठीक है, मिट्टी के मोहरें और कुछ साजो सामान, ठीक है, जैसे कि मनके वगैरह, खिलौने, छोटे छोटे बैलगाड़ी वगैरह के। ठीक है, आप ये सब जो देख सकते हो ये सारी चीजें, कुछ और मतलब कुछ बाट वगैरह भी मिले। ठीक है, सुइयां, तो ये सारी चीजें थी जो खुदाई से मिली। मोहनजोदड़ो अपने दौर में सभ्यता का केंद्र था और इस क्षेत्र की राजधानी भी था। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट जगह मोहनजोदड़ो थी, मैं बार बार आपको बता रहा हूँ। ये शहर जो था भाई 200 हेक्टेयर में फैला हुआ था, याद रखना, और 5000 साल पहले यह एक महानगर था। इस नगर में मतलब इस नगर से सैकड़ों मील दूर हड़प्पा नामक दूसरा नगर था। ठीक है, मतलब सिंधु घाटी सभ्यता में दो जो मतलब नगर है वो काफी मेन है, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा में कुछ दूरी थी बीच में, ठीक है, वो एकदम पास पास नहीं थे। और हड़प्पा के जो साक्ष्य हैं वो रेल लाइन बिछाने के समय नष्ट हो गए थे। ठीक है, और अगर आगे हम देखें नगरों की रचना कैसे थी, ठीक है, तो यह नगर जो थे वो मैदान में नहीं अपितु टीले पर बसा हुआ था। टीले प्राकृतिक नहीं अपितु मानव निर्मित थे। देखो, ये जो मतलब शहर था ये बिल्कुल भी मतलब मैदानी भाग पर नहीं था, ये टीलों पर बसा हुआ था। और इनमें से जो कच्ची पक्की, जो मतलब ये कच्ची पक्की ईंटों से बना हुआ था। ठीक है, और कच्ची पक्की ईंटों को मतलब क्या किया गया था कि धरती की सतह को ऊंचा उठाया गया था कच्ची पक्की ईंटों से, और यह कार्य सिंधु के पानी से बचाव के लिए किया गया था, कि नगर को कच्ची पक्की ईंटों से थोड़ा ऊपर उठा दिया गया ताकि सिंधु के पानी का जो बहाव है वहां तक ना पहुंच पाए। और क्या था,
यह नगर भले ही आज खंडरों में बदल गया है, किंतु इसके स्वरूप का अनुमान आसानी से लगाया जा सकता है। ठीक है, कहीं ना कहीं अनुमान ही लगाते हैं जो आज के हमारे पुरातत्वविद हैं। इसकी जो गलियां हैं, इसके सड़कें हैं, कमरे, रसोई, खिड़की, चबूतरे, आंगन, सीढ़ियां आदि इस नगर के सुंदर नियोजन की कहानी खुद ही बता देते हैं। जो गलियां हमें ग्रिड पैटर्न में मिलती हैं, ग्रिड पद्धति में, जो सड़कें हमें ग्रिड पद्धति में मिलती हैं, कमरे मिलते हैं पक्की ईंटों के, रसोईयां मिलती हैं, ठीक है, ये चीजों से ही पता चल जाता है यार कि कितना ज्यादा ये नियोजित शहर था। यहाँ की सभी सड़कें सीधी या फिर आड़ी, आज के वास्तुकार इसे ग्रिड प्लान कहते हैं। अब मैं आपको दिखाता हूं कि वहां की सड़कें और नालियां कैसी थी। देखो, ग्रिड पैटर्न को हम ग्रिड प्लान भी कहते हैं, ग्रिड पद्धति भी कहते हैं, जिसमें आप ये समझो कि गलियां इसी मतलब नक्शे से बनाई गई थी। एकदम सीधी गली ऐसे आती थी और दूसरी गली उसको यूं आड़ी काट के जाती थी। बिल्कुल इसी पैटर्न में गलियां मिली हैं। आप ये समझ लो कि कितने ज्यादा वो लोग विकसित रहे होंगे अपने टाइम पे। कुंड के पानी को बाहर निकालने के लिए नालियां बनी होती थी, और ये नालियां पक्की ईंटों से बनी होती थी, और उनसे ही वो ढकी भी जाती थी। ईंटों से ही नालियों को ढका भी जाता था ताकि बदबू वगैरह बाहर ना जाए। पानी निकासी की ऐसी बहुत ही सुव्यवस्थित जो ये व्यवस्था थी, इससे पहले के इतिहास में हमें कभी भी नहीं मिलती। ऐसी भारत की कोई सभ्यता नहीं है जहाँ पे सबसे प्राचीन सभ्यता में ये सब चीजें मिलती हों। कुंड के दूसरी तरफ विशाल कोठार है, ठीक है, यहाँ पर कर रूप में आया अनाज रखा जाता था। हो सकता है उस टाइम पे कोई कर लिया जाता हो अनाज के रूप में, और उसको लाके फिर उस कोठरी में या कोठार में रख दिया जाता था। उत्तर में एक गली मिली है वहां पे, ठीक है, जिसके माध्यम से बैलगाड़ी में अन्न आता होगा, और इसी प्रकार का एक ऐसा ही कोठार हड़प्पा में भी मिलता है। ठीक है, तो ये मोहनजोदड़ो में भी कोठार मिले हैं, और ये जो माल गोदाम टाइप से आप समझ सकते हो, और ये वहां पे भी है, मोहनजोदड़ो में भी है। नेक्स्ट टॉपिक है बौद्ध स्तूप। स्तूप के बारे में भी आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा, ठीक है, और इसमें कुछ स्तूप हमें वहां पे मिले हैं, ठीक है, जिसमें से सबसे फेमस है मोहनजोदड़ो, जो है वो सभ्यता के बिखरने के बाद जीर्ण शीर्ण टीले के सबसे ऊंचे चबूतरे पर बड़ा बौद्ध स्तूप है। उस जगह से कुछ मतलब आप ये समझ लो बौद्ध स्तूप मिला है एक। यह स्तूप लगभग 25 फुट ऊंचे चबूतरे पर बना हुआ है, ठीक है, और इसका निर्माण कार्य लगभग 2600 वर्ष पूर्व का है। और अगर हम देखें चबूतरे पर भिक्षुओं के कमरे भी हैं। यह बौद्ध स्तूप भारत का सबसे पुराना लैंडस्केप है। इस स्तूप को देखकर दर्शक रोमांचित हो उठता है। भाई, इतना प्राचीन स्तूप ना जाने कितनी सभ्यताओं का साक्षी है, कि इतना पुराना है, इतने पुराने टाइम से है, कि इसके सामने कितनी ही सभ्यता आई होंगी, कितनी ही सभ्यता नष्ट हो गई होंगी। यह स्तूप वाला चबूतरा मोहनजोदड़ो के सबसे खास हिस्से के एक सिरे पर स्थित है, और इस भाग को पुरातत्व के विद्वान गढ़ कहते हैं, जहां पे ये स्तूप है, ठीक है। अगला टॉपिक है खेती और व्यापार। इसमें क्या है, सिंधु घाटी में व्यापार के साथ उन्नत खेती भी होती थी, व्यापार होता था सिंधु वालों का, ठीक है। हड़प्पन जो थे, जो हड़प्पा सभ्यता वाले थे, वो अपना व्यापार कहाँ करते थे, ओमान में करते थे। मेसोपोटामिया तक भी उनकी जो है मतलब मोहरें मिली हैं, और यहाँ ज्वार, बाजरा और रागी की उपज भी होती थी, खेती में काफी अच्छे थे। खजूर, खरबूजे, अंगूर, ठीक है, ये सारी चीजें भी वहां पे थी। कपास की खेती भी हुआ करती थी, और मोहनजोदड़ो में सूत की कताई बुनाई के साथ रंगाई भी होती थी, यानी कि शिल्प काम भी काफी अच्छे से हो रहा था सब कुछ, ठीक है। और यहाँ रबी की फसल कपास, गेहूं, जौ, सरसों और चने की उपज के तो पुख्ता प्रमाण मिलते हैं। गुजरात, गुजरात साइड से मतलब चने वने सब चीज बढ़िया तरीके से भाई ये उगाया करते थे, ये सब भी हमें प्रूफ मिले हैं। अगला टॉपिक है जल संस्कृति, यानी कि पानी की निकासी के उचित प्रबंधन के कारण किसी भी रूप में बीमारी का प्रकोप अधिक नहीं हो सकता था। यानी कि उन्होंने इतने बढ़िया तरीके से नालियां बना रखी थी कि बीमारी तो फैल ही नहीं सकती थी, जो नालियों से फैलती हैं बीमारियां, मच्छर वगैरह और ये सब हो ही नहीं सकता था उस टाइम पे। उन्होंने इतने बढ़िया तरीके से बनाई थी नालियां, क्योंकि नालियां आदि जो है वो अच्छे से ढकी हुई थी। घरों के भीतर से पानी या मैल की नालियां बाहर होदी तक आती हैं। उन्होंने अपने घर के अंदर बाथरूम से नालियां बना रखी थी बढ़िया तरीके से, जो कि बाहर मेन नालियों से जुड़ती थी, फिर वो मेन नालियां आगे जाके बड़े नालों से जुड़ जाती थी, ठीक है। नालियां अधिकतर बंद होती थी, ऊपर से ढकी होती थी। यहाँ पर कुओं का प्रबंधन जो है मतलब आवश्यकता के अनुसार उचित रूप में किया गया था, यानी कि हर घर में लगभग कुआं भी था। अन्य विशेषताओं की बात करें तो यहाँ घरों की दीवारें ऊंची और मोटी हैं, शायद यहाँ 2 मंजिले मकान रहे हो। सीढ़ियां वगैरह भी मिली है भाई हमें ऊपर जाने की, और सभी घर जो है वो 1:2:4 की भट्टी की पक्की ईंटों से बने हुए थे, ठीक है, कुछ इस तरीके से वो ईंटें थी वहां की। यहाँ पत्थर का प्रयोग बिल्कुल ना के बराबर था भाई, बिल्कुल पक्की ईंटों के घर बने हुए हैं जिसे कहते हैं, ठीक है, इतने साल पुराने, 5000 साल पहले भी उन्होंने पक्की ईंटों के घर बना डाले। और बराबर मतलब आप ये समझ लो कि छोटे बड़े सब घर एक ही पंक्ति में थे,
घरों की खिड़कियां और दरवाजे और ये सब नहीं हुआ करते थे भाई। इससे पता चलता है काफी ज्यादा वो निजता को या प्राइवेसी को बढ़ावा देते थे। खिड़कियां वगैरह नहीं मिली हमें कोई भी उनके घरों से। अगला टॉपिक है जॉन मार्शल की पुस्तक। जॉन मार्शल ने मोहनजोदड़ो पर 3 खंडों का एक बहुत बड़ा प्रबंध छपवाया, ठीक है, एक अच्छे तरीके से लिख के उन्होंने मतलब 3 खंडों में छापा। उसमें सिंधु घाटी में 100 वर्ष पहले प्रयोग होने तथा खुदाई में मिली ठोस पहियों वाली गाड़ी और इन सब के चित्र वगैरह, और उन्होंने मतलब मोहनजोदड़ो से रिलेटेड चीजें अपने पुस्तक में लिखी। अगला टॉपिक है मोहनजोदड़ो का अजायब घर। अजायब घर का मतलब आप ये समझ लो म्यूजियम, संग्रहालय, ठीक है, इसी को हम कहते हैं। तो खंडरों के बीच या खंडरों के मध्य एक साबुत इमारत में अजायब घर है। यह किसी कस्बाई स्कूल की छोटी इमारत जैसा है, यानी कि स्लम के आपने स्कूल देखे कैसे होते हैं, टूटी फूटी दीवारें हैं और कुछ इस तरीके से मतलब छोटा सा है ये जो अजायब घर है। सामान भी इतना ज्यादा इसमें नहीं पड़ा हुआ, ठीक है, अजायब घर छोटा है लेकिन इसमें सामान भी ज्यादा नहीं है। और अहम चीजें जो थी, जो जो इंपॉर्टेंट भाई, वो चली गई कराची, लाहौर, दिल्ली और लंदन, ठीक है। अब इसमें यहाँ पे जो थोड़ी बहुत चीजें थी वही मिलती हैं। और जो मोहनजोदड़ो की खुदाई में अगर हम बात करें, जो पंजीकृत चीजें हैं, जो रजिस्टर्ड हैं कि भाई हाँ इतनी चीजें तो मिली ही मिली हैं, उनकी संख्या है 50,000। लगभग 50,000 चीजें मिली हैं मोहनजोदड़ो से अकेले, ठीक है। और मगर मुट्ठी भर चीजें ही हमें इस अजायब घर में मिल पाती हैं, ठीक है। और सिंधु सभ्यता की जो एक झलक है वो इन्हीं चीजों से दिख जाती है। काला पड़ गया गेहूं, तांबे और कांसे के बर्तन, ठीक है, आप कभी जाओगे ना अगर म्यूजियम में तो आपको ये सारी चीजें दिखेंगी वहां पे देखने को, ठीक है, कि ये सारे इनके मिट्टी के बर्तन और माप तोल के पत्थर, बाट जिसे हम कहते हैं, तांबे के आईने, मिट्टी की बैलगाड़ी और छोटे छोटे खिलौने, रंग बिरंगे पत्थरों के मन के, पत्थर के औजार, सब चीजें आपको अजायब घर में, म्यूजियम वगैरह में देखने को मिल जाएंगी। सुइयों के अलावा हाथी दांत और तांबे के सुए, ठीक है, नर्तकी और दुशाला ओढ़े दाढ़ी वाले नरेश, ठीक है, जिसको आप कह सकते हो कि पुरोहित का नाम भी दिया गया है, ठीक है, और ये सब की मूर्तियां मिली हैं लेकिन इसका प्रमाण मिलना अभी मुश्किल नहीं है, ठीक है। और मतलब क्योंकि सिंधु नदी के पानी से खुदाई के स्थान पर दलदल की समस्या उत्पन्न हो गई है जिससे खुदाई को बंद करना पड़ा। जो मतलब जो वो जगह थी जहाँ खुदाई हुआ करती थी वहां पे सिंधु नदी के पानी के कारण थोड़ा दलदल सा बन गया है, इसलिए अब वहां खुदाई पॉसिबल नहीं हो पाती। लेखक ने सभ्यता के इतिहास को इतने सुंदर रूप में, आपने देखा चैप्टर में कितनी अच्छी तरीके से बताया है, जैसे कि मान लो मोहनजोदड़ो सभ्यता उनकी जानी पहचानी सभ्यता हो, ठीक है। इसी के साथ चैप्टर यहाँ पे समाप्त होता है। कमेंट में जरूर बताना, मैंने आपको जल्दी से जल्दी ये चैप्टर पढ़ा दिया है। आप सब्सक्राइब करना ना भूलना चैनल को और बेल आइकन को दबा दो ताकि आने वाले वीडियोस के अपडेट आपको मिलते रहे नोटिफिकेशन के द्वारा। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।